नगर निगम प्रशासन लगातार जारी करता है कि नगर निगम परिसर में दलाल नहीं है। परिसर में दलालों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रतिदिन सैकड़ों नागरिक नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दलालों के शिकंजे में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को देखने को मिला। नगर निगम परिसर में कुछ दिन पहले धर्मा देवी अपने पुत्र राजेश मौर्य का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आई, जहाँ उनकी मुलाकात निहाल नाम के व्यक्ति से हुई। निहाल ने खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए 300 रुपये में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को कहा और 200 रुपया एडवांस में ले लिया। जन्म प्रमाण पत्र तो बन गया, लेकिन प्रमाण पत्र में लड़के की जगह लड़की प्रिंट हो गई, जिसको सही करवाने के लिए शनिवार को महिला अपने लड़के के साथ निहाल से मिलने आई। ताज्जुब की बात यह है कि निहाल ने खुद ही आलपीन से प्रमाण पत्र को सही कर दिया। बताते चलें कि महापौर और नगर आयुक्त का दावा है कि नगर निगम परिसर में कोई भी दलाल नहीं है। दलालों का प्रवेश नगर निगम में नहीं होता है, जबकि हकीकत यह है कि नगर निगम परिसर में दलालों का खेल बदस्तूर जारी है। दलाल खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताते हैं और आम नागरिकों का शोषण करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए प्रमाण पत्र बनवाने आई धर्मा देवी और राजेश मौर्य ने कहा। नहीं, उसको देखना था जब राजेश मौर्य। अरे भाई, देव आदमी है, गलती हो रही, गलती होती है। धर्मा देवी कहाँ रहती है? अरे भैरवपुर। अच्छा, कहाँ पे आई थी ये? नगर निगम। क्या करने? ये बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने। हाँ, जन्म प्रमाण पत्र क्या हुआ, बन गया? और लड़की जगह लड़का जब लड़की लिखल बा। अच्छा, तो सही करवाने के लिए किसको दी है? अब एक फिर पड़ल बानी हम कहके दे हम तो नहीं बाटी। तो अभी कौन काट के काटा है उसको? जो बनवाए हैं चपरासी। चपरासी बनवाए हैं? और के बनौले, वो बनौले हैं। जाना, उसका नाम क्या है? उनका क्या नाम हो? निहाल नाम है। निहाल नाम है। निहाल नाम है। तो अभी सही नहीं हुआ है? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश मौर्य। किसको दिए थे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए? निहाल नाम के चपरासी को दिए थे नगर निगम। तो बना? बन तो गया। क्या गड़बड़ी क्या है? लड़का की जगह लड़की लिख दिए हैं। सही हुआ? कहाँ, वो ऑल पिन से मिटा के लिख दिए हैं। अच्छा, कितना पैसा लिए हैं? 200 लिए हैं, 300 कहे थे, अभी 100 रुपये बाकी हैं। 100 रुपये दोगे अभी? अभी ये पूरा हो जाए तब ना, ऐसे कैसे? तो क्या लग रहा है तुम्हारा, वो सही होने वाला है? अब देखते हैं, आप देखिए ऑनलाइन करप्शन का ऑप्शन होगा तो हो जाएगा, और क्या है, जिस तरह आधार होता है और क्या।